हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है साद अंसारी एंड आई हार्टली वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ आर्यन अकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेंसिटी के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने वॉल्यूम के रिलेटेड कुछ डिस्कशन किया था, उसके बारे में कुछ कन्वर्जन्स और कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखी थी। आज हम बेटा डिस्कस करेंगे डेंसिटी के बारे में कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी का सबसे बेसिक उसका फॉर्मूला क्या होगा और डेंसिटी की ऐसा यूनिट्स हम बताने वाले हैं। साथ ही साथ में आपको वीडियो में ये भी बताएंगे कि डेंसिटी जैसे जो फैक्टर्स होते हैं वो किस किस के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आइए शुरू करते आज का लेक्चर। व्हाट इज मीन बाय डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है। बेसिकली अगर आप लोग देखने जाएं तो डेंसिटी का मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस का कुछ मास होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक यूनिट वॉल्यूम में या एक मीटर क्यूब या वन लीटर वॉल्यूम में कितने अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट होता है उसे बोला जाता है डेंसिटी। अगर आप लोग इसको डिफाइन करना चाहे तो किस तरीके से करेंगे। डेंसिटी का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक यूनिट वॉल्यूम में या वन लीटर वॉल्यूम में या वन मीटर क्यूब में या थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब में कितने अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट होगा उसे बोला जाता है डेंसिटी। डेंसिटी को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। बट उससे पहले कि डेंसिटी का सबसे बेसिक जो फॉर्मूला है वो क्या होना चाहिए, अगर आप लोगों को डेंसिटी का फॉर्मूला पूछा जाए तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो डेंसिटी का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला वो डेफिनेशन के ऊपर से पता चल जाएगा। तो डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी इज मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट है इसे बोला जाता है डेंसिटी। ठीक है, सबसे बेसिक फॉर्मूला जो आपको कैलकुलेशंस करने में यूजफुल रहेंगे। यहां पे जो आपको डी नजर आ रहा है, डी का मतलब होता है डेंसिटी एंड हेयर एम मीन्स मास एंड वी का मतलब होता है वॉल्यूम। अभी आप लोगों ने देखा बेटा मास जो होता है एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है, दैट मींस कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एंटोनी लवोइजर 1789 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेस पर हमने ये बताया था। उसके बाद वॉल्यूम देखा, वॉल्यूम का मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस ने कितने अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा है उसे बोला जाता है वॉल्यूम। तो ये दोनों की बेसिस पर हमने डेंसिटी डिफाइन करी। डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि कितने अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम एक यूनिट वॉल्यूम में वन लीटर या वन मीटर क्यूब या थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम में कितने अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट है उसे बोला जाता है डेंसिटी। इसकी ऐसा यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यू में पूछते हैं कि व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो फॉर्मूला के बेस पर हम डेंसिटी की ऐसा यूनिट भी बता सकते हैं, जैसे कि डेंसिटी का फॉर्मूला देखा, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन में वॉल्यूम। नाउ डेंसिटी की ऐसा यूनिट होगी मास। मास का मतलब होता है कि मास को हम किलोग्राम में कैलकुलेट करते हैं, उसकी ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है। तो मास की ऐसा यूनिट हो जाएगी बेटा केजी, अपॉन में मेरे पास है वॉल्यूम। वॉल्यूम का हम लोग मीटर क्यूब में डिफाइन करते हैं, उसको मेजर करते हैं, उसकी जो यूनिट्स है बेसिक में, तो उसको वॉल्यूम की बेसिक यूनिट्स होती है मीटर क्यूब। तो मास की हो जाएगी बेटा केजी और वॉल्यूम का हो जाएगा मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की ऐसा यूनिट हमें मिल गई केजी पर मीटर क्यूब। इसको अगर आप लोग लिखना चाहो तो कुछ इस तरीके से लिख सकते, डेंसिटी इज इक्वल्स टू केजी पर मीटर क्यूब। ये किस तरीके से लिखा जाता है, यहाँ पर मेरे पास बेस है और इसके ऊपर कुछ डिग्री है। जब आप लोग रेशियो में से उठाकर उसको ऊपर लेकर जाते हो तो डिग्री हमारी प्लस में थी, ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो डिग्री माइनस में हो जाती है। तो केजी का केजी हो गया
और मीटर क्यूब था प्लस 3 डिग्री थी, इसको हमने उठा के ऊपर भेजा तो m रेस टू प्लस 3 की जगह आ गया माइनस 3। इसको आप लोग कैसे बोलोगे, डेंसिटी के SI यूनिट होगी kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये तब डेंसिटी का कुछ बेसिक फॉर्मूला, और ये SI यूनिट्स आपको MCQ में पूछ सकता है कि डेंसिटी की SI यूनिट क्या होगी, जिसे हम बोलते हैं kg पर मीटर क्यूब। अगर ग्राम में पूछे तो क्या लिखोगे, अगर डेंसिटी की यूनिट्स ग्राम और सेंटीमीटर में क्यूब में पूछे तो क्या होगा, डेंसिटी इज इक्वल्स टू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये भी एक SI यूनिट है, अगर आपको बेसिक लो क्वांटिटी ऑफ अमाउंट हो तो उसके वहां पर डेंसिटी में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, ये भी हम फॉर्मूले के बेस पर बता सकते हैं। अगर आप लोग फॉर्मूला देखोगे तो डेंसिटी के अंदर दो चीजें आती है, एक आता है मास और एक आता है वॉल्यूम। तो यहां पर डेंसिटी और मास एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है और डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। दैट मीन्स कि डेंसिटी और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, दैट मीन्स कि आप लोग अगर मास को इंक्रीज करते हो, मास को बढ़ाते हो, तो सब्सटेंस की या किसी भी सॉल्यूशन की जो डेंसिटी होती है वो भी इंक्रीज होती है। बट व्हाट अबाउट द वॉल्यूम, बिकॉज हियर डेंसिटी एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट मीन्स कि आप लोग किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी सॉल्यूशन का अगर वॉल्यूम इंक्रीज करते हो तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो दैट्स नाउ कि डेंसिटी जो है दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, एक आता है मास और दूसरा आता है वॉल्यूम। मास पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स कि मास बढ़ाओ डेंसिटी बढ़ेगी। वॉल्यूम पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स कि वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। क्लियर इतनी बात। तो डेंसिटी का सबसे बेसिक डेफिनेशन कि मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट है उसे बोला जाता है डेंसिटी। डेंसिटी का सबसे बेसिक फॉर्मूला, डेंसिटी डी इज इक्वल्स टू मास अपॉन में वॉल्यूम। हेयर डी का मतलब डेंसिटी, एम का मतलब मास एंड वी इज द वॉल्यूम। हेयर मास इज कंजर्व्ड क्वांटिटी, यहां पर मास को ना क्रिएट कर सकते ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट बात SI यूनिट की कि डेंसिटी की SI यूनिट क्या होगी, तो डेंसिटी की SI यूनिट होती है kg पर मीटर क्यूब। किस तरीके से आएगी, ऊपर मास है, मास की SI यूनिट होती है kg एंड नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की SI यूनिट हो जाएगी kg पर मीटर क्यूब। को लिखेंगे कैसे, मीटर क्यूब जो नीचे नजर आ रहे हैं उसको आप लोग ऊपर भेज दीजिए, तो लिखा जाएगा डेंसिटी डी इज इक्वल्स टू kg, इसको पढ़ने का कैसे, पर मीटर क्यूब। दैट्स व्हाई डेंसिटी की यूनिट बन गई kg पर मीटर क्यूब। दो चीजों पे डिपेंड करती है डेंसिटी, नंबर वन मास एंड नंबर टू वॉल्यूम। मास पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड वॉल्यूम पे इनवर्सली प्रोपोर्शनली।